इनकी मम्मी जी का फोन आ रहा है। सॉरी मां, चाहकर भी आपका फोन नहीं उठा सकती। हैरान हूं कि आप दोनों के तार इस तरह जुड़े हैं। नरेन का दर्द इतनी दूर बैठे बैठे भी आप भांप गई। मेरे लिए तो नरेन आपका बेटा है और आप नरेन की माँ। इसके आगे कोई सच मायने नहीं रखता, कोई सच नहीं। और उस दिन जब मैं घर वापस लौटी तो माँ के आपके चेहरे की खुशी देखकर एक बात तो मैंने तय कर ली थी कि ये सच आप सबकी हंसी नहीं छीन सकता। पर शादी तोड़ने की बात सोचकर एक बार तो मेरी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन तभी। हेलो, थैंक यू सिंह साहब, डोंट वरी, परसों पापा और चाचा मुंबई पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं भी आऊंगा। सीएम से बिजनेस फैमिली ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना हमारे व्यास ग्रुप के लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, मैं आपको ट्रैवल डिटेल्स मेल करवाता हूँ। थैंक यू। कल हमारी शादी और परसों इतना बड़ा अवार्ड, मैं डैड से बात करके आता हूँ। क्या है मिस्टर कपूर? आराम से घर पहुंच गए आप? शादी की तैयारियां तो जोर शोर से चल रही होंगी। मैंने भी व्यास खानदान के आदमियों के स्वागत की तैयारी कर ली है। जहां? मुंबई में। जगह भी बुक कर ली है मैंने। इट्स अमेजिंग प्लेस। देखना पसंद करेंगे आप? इट्स जस्ट परफेक्ट। ये कैसा मजाक है मिस्टर कपूर? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मजाक तो आप करेंगे अपने प्यार के परिवार के साथ। सच कह रहा हूं आपसे, कल शादी हो जाएगी और परसों परसों व्यास परिवार में कोई भी नहीं बचेगा। अरे डरिए मत, डरिए मत, मैं कुछ नहीं करने वाला। सिर्फ एक सच, बस वो सच काफी है सबकी जिंदगी में भूचाल लाने के लिए। दादाजी जिंदा है। नरेन उस घर का बेटा नहीं था। सोचो अगर ये सारी बातें व्यास परिवार को पता चल गई तो क्या होगा? किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो किसी को ब्रेन स्ट्रोक लाजमी है। और वैसे भी ये सारी बातें सुनने के बाद कौन कमबख्त जीना चाहेगा?